हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं हूँ रेनू। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दीपावली के लिए पिंक न्यू डाई मेकअप, और यह आई मेकअप मैंने कैसे कंप्लीट किया है देखने के लिए मेरी वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। तो चलते हैं अपने आई मेकअप की ओर। और सबसे पहले मैंने लिया है पेंसिल ब्रश, उससे अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड किया, जो उसमें क्रैक थे, क्रैक बोल या फिर पैच वगैरह बोले, उसको अच्छे से ब्लेंड करना। और मैंने लिया है उसके बाद अपना रोज़ न्यू डाई शैडो पैलेट, उसको मैंने उसमें से लिया है ऑरेंज ब्राउन, लाइट ऑरेंज ब्राउन, और आउटर से इनर तक ब्लेंड करना है अच्छे से। आपको ब्लेंड करना है अपनी क्रीज लाइन पे, कोई पैच वगैरह नहीं होना चाहिए वरना आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने सेम पैलेट से लिया है उससे डार्क ऑरेंज ब्राउन, और उसी क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड करना है। उसी सेम ब्रश से आउटर से इनर तक आपको ब्लेंड करना है, और अपना जो है पहले से आई मेकअप कंप्लीट किया हुआ है उसको अच्छे से देख लेना है कि आपका आई शेडो कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक में ज़्यादा एक में कम, वैसे में आपका आई मेकअप सेम नहीं आएगा, तो आप देख लें प्रॉपर आई शेडो ही कम लगाएं। और उसके बाद मैंने लिया है ब्लैक लिप लाइनर पेंसिल, उसी से मैंने अपना आई लाइनर कम्प्लीट किया है अच्छे से। आई लाइनर क्रिएट करें, उसके बाद मैंने लिया है पेंसिल ब्रश से ही मैंने अपने लाइनर को अच्छे से स्मर्ज कर दिया है बहुत ही अच्छे से। अच्छे से अपना देख लें कि हुआ है कि नहीं अच्छे से ब्लेंड, और इनर तक आपको ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने लिया है पिंक आई शेडो और अपने लिड पे कम्प्लीटली लगाना है। आउटर से मैंने शुरू किया है, इनर तक ले जाना है आपको, एकदम क्रीज लाइन पे मत अप्लाई करना, क्रीज के हल्का सा नीचे ही रहना चाहिए वरना उसका लुक ख़राब हो जाएगा, अच्छा नहीं आएगा आपका आई मेकअप। और अपने पेंसिल ब्रश से अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया अपने आई शेडो को, इनर तक अच्छे से ब्लेंड किया है, आउटर से इनर, इनर से आउटर, तो भी अच्छे से ब्लेंड होगा। उसके बाद मैंने लिया है रोज़ पिंक और फ्लैट ब्रश इस्तेमाल किया है इसके लिए। इनर से आपको स्टार्ट करना है आउटर तक, कहने का मतलब पूरा आउटर नहीं लेके जाना है आपको, बस आई बॉल एरिया तक ही आपको सिमर आई शेडो आपको अप्लाई करना है, इनर से स्टार्ट करना है आई बॉल एरिया तक फिनिश कर देना है अच्छे से। ब्लेंड करें अपने फ्लैट ब्रश से और अपना अच्छे से देख लें कि सेम लगा है कि नहीं। उसके बाद मैंने हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट से लिया है लाइट ब्राउन और अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया आउटर से इनर तक, क्योंकि उसको क्रीज लाइन को थोड़ा सा डार्क करना था। मैंने अच्छे से ब्लेंड किया, उसी सेम ब्रश से, फ्लफी ब्रश से मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैंने लिया है ब्राउन आई शेडो और अपनी जो लाइनर कंप्लीट किया था उसी को मैंने लॉक कर दिया है पेंसिल ब्रश से ही, अच्छे से ब्लेंड करें, आपका लाइनर हो जाएगा ऐसे लॉक। और अच्छे से ब्लेंड करना है आपको, हो चुका है लाइनर लॉक। और उसी सेम पेंसिल से मैंने लगाया हुआ अपना काजल आउटर अपर लैश लाइन पे और वाटर लाइन पे लगाया है काजल सेम ब्लैक पेंसिल से, लिप लाइनर पेंसिल से।
अच्छे से लगाएं। उसके बाद मैंने पेंसिल ब्रश से ही स्मर्ज कर दिया है लोअर लैस लाइन को। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया मैंने कोई अलग से, उसी जो पेंसिल मैंने इस्तेमाल किया था बस उसी का ही काजल आपको ब्लेंड करना है। मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं अलग से लिया है। उसके बाद मैंने ब्राउन आई शैडो लिया है जो क्रीज लाइन पे यूज किया था, उसी को मैंने लिया है अपने लोअर लैस पे अप्लाई किया सेम पेंसिल ब्रश से ही। उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन लिया है सेम पैलेट से ही, डार्क ब्राउन लिया है अच्छे से ब्लेंड किया है लोअर लैस लाइन को। उसके बाद मैंने लिया है पिंक सीमर पिंक हुडा ब्यूटी आई शैडो पैलेट से ही लिया है इनर लैस लाइन पे, लोअर लैस लाइन पे मैंने लगाया है और इनर कॉर्नर पे लगाया है हाईलाइट करने के लिए एरिया को। आप उसी पेंसिल ब्रश से ही हाईलाइट कर दिया है उस एरिया को, इनर कॉर्नर एरिया को। उसके बाद मैंने रोज़ आई शैडो पैलेट लिया है उसे सिमर आई शैडो लिया है अपने ब्राउज बॉन एरिया को हाईलाइट करने के लिए। फ्लैट ब्रश से मैंने लगाया हुआ है हाईलाइट को, हाईलाइट करने के लिए ब्राउज बॉन एरिया को। उसके बाद मैंने लिया है लैक्मे का मस्कारा अच्छे से अप्लाई करें। फाइनली मेरी आई मेकअप हो चुकी है कंप्लीट। और मेरी आई मेकअप आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।